वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। देश में कुछ ही दिन पहले होली का त्योहार गया है और सभी ने देखा कि किस तरह होली पर कई जगह हंगामा भी देखने को मिला। कहीं डीजे पर नाच रहे लोगों पर मुस्लिम समुदाय की तरफ से पत्थरबाजी की गई, तो कहीं मस्जिद पर रंग फेंकने की घटना भी सामने आई। ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में डीजे बंद करने को लेकर देखने को मिली थी, जहां दो पक्षों में पत्थरबाजी के दौरान एक दरोगा और सिपाही समेत 9 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में गांव के प्रधान बेगम जैनब के पति मोहम्मद रिजवान की शिकायत पर पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। यह पूरी घटना होली के दिन हुई। उस दिन शबे बारात का मौका भी था। डीजे पर नाच रहे लोगों को कुछ जुलूस निकालकर कब्रिस्तान चिराग जलाने के लिए जा रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने डीजे बंद करने को कहा। पुलिस की तरफ से भी डीजे बंद कराने की कोशिश की गई। बस इसको लेकर विवाद शुरू हो गया और इस विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि पत्थरबाजी तक शुरू हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। लेकिन इस सबके बाद एक बहुत बड़ी खबर अब सामने आई है। दरअसल दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार मेवाराम मुकेश समेत कई अन्य गांव वालों का आरोप था कि प्रधान रिजवान, गुड्डू और तारिक समेत करीब 150 लोगों ने हिंदुओं पर हमला कर दिया था। बावजूद इसके इनके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। हिंदू समुदाय के लोगों ने पुलिस में बड़े अधिकारियों से बात की और कहा कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और दबिश के नाम पर वो लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। इससे परेशान होकर गांव के करीब 30 परिवारों ने पलायन तक कर दिया है। ये लोग अपने रिश्तेदारों के घर पर रहने को मजबूर हैं। बदायूं पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।